दर्शक बंधुरा आज के दुर्गापुर विख्यात जैन मंदिर यहाँ बेनाचिदीते अवस्थित अपनारा जदि आसार इच्छा है अपनारा भेनेंगी मोड़ थेके टोटो बा अटो धरे अपनारा एखाने आसते पारें पाँच दस मिनट समय लागबे। तो आज के मंदिर भेतरे डुबो एवं एकटा प्रतिबेदन आपनादेर सामने आमी राखते चाइछि ए मंदिर उपरे। तो चलो भेतरे ढुकी। दर्शक बंधुरा जदि आमार এই প্রতিবেদনটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক দেবেন, ভিডিওটি বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নোটিফিকেশনের জন্য বেল আইকনটি টিপবেন। श्री विमलनाथ जैन श्वेतम्बर ट्रस्टर उद्योगे 2003 साले दुर्गापुर बेनाचिदीर जेके पाल लेने गड़े उठे श्री जैन श्वेतम्बर विमलनाथ मंदिर। जैन धर्म हलो एक भारतीय धर्म, यह धर्म सकल जीवित प्राणीर प्रति अहिंसार शिक्षा दे। जैन धर्मावलम्बी मन करें अहिंसा और आत्मसंयम हलो मोक्ष एवं जन्ममृत्युर चक्र थेके मुक्ति लाभेर पंथा। जैन शब्दटी एसेछे संस्कृत जीन अर्थात जई शब्दटी थेके, जे मानुष आसक्ति आकांक्षा क्रोध अहंकार लोभ इत्यादि आंतरिक आविगुली के जय करेछेन एवं सेई जयेर माध्यमे पवित्र अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान लाभ करेछेन ताकेई जीन बला हय। जीनदेर आचरित ओ प्रचारित पथेर अनुगामीदेर बले जैन।
आपका नाम क्या है? सम्राट गोरक्षा जैन। अच्छा, पूरा बताइए मंदिर के बारे में। ये मंदिर 2003 में इसकी प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ, इस जैन मंदिर में भूल नायक भगवान हैं, जैनियों के 13वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ भगवान। अच्छा, उनके दाहिने तरफ 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं और बाएँ तरफ 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी विराजमान। अच्छा, जैन दर्शन लाखों वर्ष पुराना है और जैन दर्शन मतलब लोग ये मानते हैं आजकल कि जो भगवान महावीर को माने वो जैन है, लेकिन सही मायने में जैन दर्शन का मतलब है जो सत्य को माने, जो अहिंसा में विश्वास रखे वो जैन है। जैन दर्शन का जो बेसिक चीज़ है वो ये है, ऐसा नहीं कि भगवान महावीर को मान रहे हैं तो जैन हो गए। कोई भी व्यक्ति जो सत्य और अहिंसा में विश्वास रखे वो जैन है। अच्छा, आजू बाजू यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रधान शिष्य थे, सबसे पहले और प्रमुख शिष्य थे भगवान महावीर के। अच्छा, गौतम स्वामी, इनको हम गुरु के रूप में पूछते हैं। इन्होंने भगवान महावीर के बाद हम लोगों को ज्ञान दिया। और इस तरह सुधर्मा स्वामी हैं, सुधर्मा स्वामी जो भगवान महावीर के पाठ पे बैठने वाले पहले शिष्य थे। भगवान महावीर का जब निर्वाण हो गया, यानी जिसको हम लोग आजकल चलती भाषा में स्वर्गवास बोलते हैं, जब उनका निर्वाण हो गया उसके बाद उनके पट के ऊपर सुधर्मा स्वामी बैठने वाले पहले शिष्य थे। अच्छा, भगवान की दाहिने तरफ ये सम्मेध शिखर मधुवन नाम की जगह है, इसको पारसनाथ भी बोलते हैं, जिसको पारसनाथ बोलते हैं मधुवन। अच्छा, वो वहाँ के अधिष्ठायक देव हैं भूमिया जी महाराज, श्री भूमिया जी महाराज। ये रक्षक देव माने जाते हैं, कोई भी भक्त को अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो उसकी रक्षा करने के लिए श्री भूमिया जी महाराज हैं। अच्छा, इनका बहुत चमत्कार है। और भगवान के बाएं तरफ ये पद्मावती देवी हैं। अच्छा, श्री पार्श्वनाथ भगवान की यक्षिका है, अधिष्ठायक देवी बोलते हैं। इनको भी मानने वालों की संख्या बहुत है और जागती देवी हैं, अगर कोई भी शुद्ध मन से अगर ध्याए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। ओके, चारों तरफ गोखले में पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी, आदिनाथ भगवान, इन लोगों की तस्वीर है। आदिनाथ भगवान जैन दर्शन के जैन इस तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्हें पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान। इनका गुजरात में और भारत के कई जगहों पे बड़े विख्यात मंदिर हैं। गुजरात के शत्रुंजय में पालीताना बोलते हैं। अच्छा, वहाँ के आदिनाथ भगवान हैं और इन्होंने अष्टापद से, जिसको आज हम लोग मानसरोवर बोलते हैं, वहाँ से इनको मुक्ति मिली थी। आज से लाखों लाख साल पहले की बात है ये। अच्छा, ये इस मंदिर की प्रतिष्ठा 2003 में हुई थी। इस मंदिर के निर्माण के पीछे सबसे बड़ा हाथ श्रीमान इंद्रचंद जी गोलेच्छा का है, जिन्होंने अपना पूरा प्रयास करके अपना तन मन धन से सहयोग दिया। उसके बाद और भी ट्रस्टी हैं इसमें, जैसे पूनम चंद गोलेच्छा हैं, सेठ रतन भाई मगन भाई देसाई हैं,
श्री दीनदयाल जी भंडारी हैं, श्री सुभाष कुमार जी लोढ़ा हैं, श्री महेंद्र कुमार जी सिपाणी हैं, इन लोगों ने मिलकर इस मंदिर के लिए बहुत कुछ काम किया और लगभग 7 साल में ये मंदिर बन के खड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा मार्बल से बना हुआ है, इसमें कहीं में भी लोहा का एक टुकड़ा का भी इस्तेमाल नहीं किया गया इस मंदिर में। अच्छा। और इस मंदिर के बनने के बाद हम लोगों ने मतलब जैनियों का यहाँ पे बहुत अच्छा संगठन बना है, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे लोगों को एक साथ जोड़ा है और सामाजिक कार्य में भी इस मंदिर की एक बहुत अच्छी भूमिका रहती है। हम लोग साल में 2 बार अनुष्ठान करते हैं, पहला एक वार्षिक ध्वज का कार्यक्रम होता है, हर साल यहाँ पे मंदिर का ध्वज बदला जाता है जो 2003 से निरंतर आज तक चल रहा है, और एक हम लोगों के प्रज्वेशन पर्व आता है जो अभी आने वाला है, 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इस बार पर्व प्रज्वेशन में हम लोग 8 दिन की धार्मिक आराधना करते हैं, उस वक्त मंदिर में धूमधाम से कार्यक्रम होती है, पूजा वगैरह होती है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। विमल नाथ ट्रस्ट के अंतर्गत ये मंदिर आता है और इस ट्रस्ट ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, श्री जैन समाज के साथ मिलके और अलग से भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे खिचड़ी वितरण करना, खिचड़ी प्रसाद के रूप में देना, वस्त्र वितरण करना और ज़रूरतमंदों को दवाई वगैरह प्रोवाइड करना, इस तरह से काफ़ी सारे कार्य विमलना ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे हैं। अभी इस वक्त भी समाज की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से बहुत अच्छा सामाजिक काम हो रहा है। ओके। ইনি হচ্ছেন আমাদের গুরুদেব। আজ থেকে প্রায় 1100-1200 বছর আগে আপনাদের জন্ম হয়েছিল, এই ধরতিতে অবতরণ হয়েছিল শ্রী জিন দত্ত শ্রী গুরুদেব। ইনি আমাদেরকে ভগবানের মহাবীরের রাস্তা থেকে ভালো করেতে জড়িত রাখার জন্য ইনি এনার খুব যোগদান। আপনি কি আশীর্বাদ সে আজ আমরা জ্ঞান বানে হ্যাঁ, उन्होंने हम लोगों को समझाया, क्योंकि भगवान महावीर को के जन्म को तो आज से हो गया 2600 साल। अच्छा। 2600 साल और अभी में बहुत लंबा गैप है, तो बीच में हम लोगों के काफ़ी गुरुदेव हुए हैं, उनमें जिन दत्त सूरी जी, मणिधारी श्री जिन चंद्र सूरी जी, श्री जिन कुशल सूरी जी और श्री जिन चंद्र सूरी जी, ये 4 गुरुदेव का बहुत ज़्यादा महिमा है। इन लोगों ने हम लोगों को जैन धर्म का मतलब बताया, उसका अर्थ बताया और हम लोगों को जैन दर्शन से जोड़ा।